हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। दोस्तों आज के वीडियो में हम इंडियन रेलवे से रिलेटेड बड़ी अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि IRCTC से हमें मिलेगी। IRCTC मींस इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर वर्क करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में। IRCTC हमें हॉस्पिटलिटी सर्विसेज स्टेशन और ट्रेन में प्रोवाइड करता है, जैसे होटल, कैटरिंग, टूर पैकेजेस या फिर पब्लिसिटी। ये काम होता है IRCTC का। और अभी IRCTC के ही अंडर में यंग कैंडिडेट जो कि 10th पास हो चुके हैं, ITI, 12th, UG, PG कैंडिडेट को बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो कि IRCTC रिक्रूटमेंट है। इसमें दो ट्रेड में यानी कंप्यूटर ऑपरेटर और कोपा यानी प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के अंडर में आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो कि आप उसको अप्रेंटिसशिप भी बोल सकते हैं, ट्रेनिंग भी बोल सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग जॉब भी कह सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट का स्किल बिल्डिंग इनिशिएटिव है। तो डाटा एंट्री भी इसमें आपको सिखाई जाएगी, जो आप पढ़ाई कर चुके हैं पहले उसको उसमें आपको स्किल या फिर एक्सपर्टीज प्रोवाइड की जाएगी दोस्तों। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो सीखना चाहते हैं और साथ में पढ़ाई के साथ में अर्न भी करना चाहते हैं। अब इंपॉर्टेंट डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है कि ये दो पोस्ट के लिए है, कौन कौन से, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप बताएंगे अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। 80 वैकेंसी हैं जिसमें मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 25 अक्टूबर तक कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है दोस्तों। इसमें आपको अप्लाई जिस तरह से करना है आगे हम देखेंगे। मैट्रिकुलेशन पास कैंडिडेट जिनके 50% या अबव मार्क्स थे वो अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ITI सर्टिफिकेट, NCVT या SCVT कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज 15 साल से 25 साल के बीच में होना चाहिए दोस्तों, यानी 15 साल में प्रवेश कर चुके हैं आप और 25 साल कंप्लीट नहीं हुआ है 1 अप्रैल 2022 तक। यही अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो अपर एज लिमिट यानी मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल हो गई, OBC के लिए 28 साल, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 35 साल और दिव्यांग कैंडिडेट के लिए भी 35 साल। लोकेशन होगी दिल्ली, न्यू दिल्ली जो है वहां पर आपको सारी सुविधाओं के साथ लोकेट किया जाएगा। अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों बहुत ही सिंपल है, मेरिट लिस्ट के बेसिस पर सिलेक्शन होना है, यानी कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं उनकी लिस्ट बनेगी और जिसके ज्यादा परसेंटेज होंगे वो सिलेक्ट होगा इस ट्रेनिंग के लिए, इस स्किल इनिशिएटिव के लिए वो सिलेक्ट होगा, जिसमें आपको पूरी तरह से जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर है, डाटा एंट्री है, प्रोग्रामिंग है, वो पूरी तरह से सिखाई जाएगी। सेकेंड स्टेप होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। जो मेरिट लिस्ट से पास हो जाएंगे उनका सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट, 10th मार्कशीट, ITI है तो ITI मार्कशीट, DOB सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट है या मार्कशीट के बेसिस पर आप कर रहे हैं तो DOB सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, अगर दिव्यांग है तो उससे सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस रिलेटेड है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और एक एप्लीकेशन बनती है जिसमें आपका फोटोग्राफ होता है और साथ में सिग्नेचर वगैरह होता है, उसका भी एप्लीकेशन का पूरा फॉर्मेट आपका होना चाहिए। यह सिंपल एक सिलेक्शन प्रोसेस। अब इस ट्रेनिंग ड्यूरेशन के बीच में आपको स्टाइफंड भी मिलेगा। ये ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का होगा जिसमें आपको मंथली स्टाइफंड प्रोवाइड की जाएगी। कितनी होगी तो 5000 से 9000 के बीच में होगी दोस्तों स्टाइफंड। ये वेरी क्यों कर रहे हैं, बिकॉज अलग अलग क्लास के अकॉर्डिंग, अगर आप 10th पास हैं तो 6000, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो सबसे ज्यादा 9000, 12th बेसिस कर रहे हैं तो 7000 मिलेगा, सर्टिफाइड कैंडिडेट हैं, सर्टिफाइड होल्डर कैंडिडेट हैं तो 7000 मिलेगा। तो 5000 से 9000 के बीच में आपको स्टाइफंड मिलेगा मंथली पूरे ट्रेनिंग पीरियड में 1 साल। तो ये हो गई सारी डिटेल। अब देखते हैं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई आपको ऑनलाइन मोड से करना है apprenticeshipindia.gov.in इस वेबसाइट से। पर उसके पहले मैं आपको और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। तो ये है IRCTC की वेबसाइट दोस्तों, जहां पर HR एंड करियर का ऑप्शन आपको मिलेगा, रिक्रूटमेंट का टैब मिलेगा जिसको आप पिक करेंगे तो न्यू ओपनिंग का ऑप्शन मिलेगा। न्यू ओपनिंग पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां न्यू ओपनिंग के पेज पर ले जाया जाएगा, जहां आपको मिल रहा है एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप इन नॉर्थ जोन IRCTC। ये डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे तो PDF में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिसको अभी हम पूरी तरह से डिस्कस कर चुके हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब देखते हैं ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस। तो आप इस वेबसाइट पर आइएगा apprenticeshipindia.gov.in, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब इस टैब पर आने के बाद जब आप यहां देखेंगे तो आपको मेनू बार में अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज का ऑप्शन मिल रहा है। जब आप इसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको इस तरह का
का एक पेज मिल जाएगा अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज का। यहां पर जो लेफ्ट में आपको दिखाई दे रहा है सर्च लोकेशन, सर्च लोकेशन में आप दिल्ली को टाइप कर दीजिएगा और सर्च बाय एस्टेब्लिशमेंट नेम में आपको यहां पर टाइप करना है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यहां आपको वो पूरी तरह से टाइप करना है। और जब आप एंटर करेंगे तो आपको यहां पर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट डाटा एंट्री वर्क से रिलेटेड है IRCTC में। ध्यान रखिए यहां पर जब आप टाइप करेंगे तो जब आप इंडियन रेलवे लिखेंगे थोड़ा रुक जाइएगा तो आपको सर्च ऑप्शन में इंडियन रेलवे IRCTC का ऑप्शन मिल जाएगा जिसे आप पिक करेंगे तो यहां फिल्टर में आ जाएंगे दोनों ऑप्शन। ये दोनों ऑप्शन होना चाहिए फिल्टर में तभी आपको ये वन अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप व्यू पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे दोस्तों जहां सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी। डाटा एंट्री का वर्क है IRCTC में है, ये है कोड और यहां पर 6000 से 9000 के बीच में आपको स्टाइफंड मिलेगा। 80 पोस्ट है जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, सारे जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन 10th से अबव या 10th लिखा हुआ है यहां पर और आपको 500 घंटों का बेसिक ट्रेनिंग ड्यूरेशन 12 महीनों तक मिलने वाला है विद स्टाइफंड। अब आप अप्लाई करना चाहें तो या तो आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी पर क्लिक करेंगे तो यहां आएगा पहले लॉगिन कीजिए। तो आप ओके कर देंगे तो आपको लॉगिन का पेज मिलेगा जहां ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद इसे पिक करके लॉगिन कर देंगे तो डायरेक्ट आपका अप्लाई हो जाता है दोस्तों। पर आप सोच रहे होंगे कुछ भी हमने अप्लाई नहीं किया, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं लिए, डायरेक्ट अप्लाई कैसे हो जाएगा? तो दोस्तों यहां पर जैसे हम NCS में एक पूरा का पूरा फॉर्म भरते हैं, अप्लाई करते हैं, एजुकेशन डिटेल देते हैं, एड्रेस डिटेल देते हैं, वैसे यहां पर भी अप्रेंटिसशिप इंडिया पर भी आपको अपना एक अकाउंट बनाना होता है। तो रजिस्टर किस तरह से करना है? रजिस्टर के लिए आपको रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा यहां राइट कॉर्नर में, तो आपको कैंडिडेट का ऑप्शन मिलेगा। जब आप कैंडिडेट पर क्लिक करेंगे तो आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको यहां अपनी पूरी पर्सनल डिटेल डालना होती है, चाहे वो कॉन्टेक्ट डिटेल हो, ईमेल आईडी, सभी आपको डालना है और सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको पूरा एक फॉर्म मिलता है जिसे आपको अप्लाई करना होता है। अगर आप स्कूल कैंडिडेट है, कॉलेज कैंडिडेट है, जॉब सीकर है, आप जरूर अप्लाई कर लीजिए, ये कभी ना कभी आपको काम आता है। इवन आपके ईमेल आईडी पर भी अपडेट्स मिलती रहती हैं कहां कहां पर अप्रेंटिसशिप या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। और जब आपका अकाउंट बन जाता है तब आप यहां लॉग इन ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के जैसे ही लॉग इन करेंगे तो डायरेक्ट उस अप्रेंटिसशिप में अप्लाई हो जाएगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पर अगर आपको दिक्कत आ रही है किस तरह से करना है, क्या करें, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने इसको बनाया है और इसको देखकर करीब 50,000 से ज्यादा लोगों ने अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर अपना अकाउंट बनाया है और आज वो अप्लाई कर रहे हैं और काफी लोग सिलेक्ट भी हो रहे हैं, जिनमें से ये एक कैंडिडेट है जिनके बारे में हमने पहले भी बताया है, बात की है। तो इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों। क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद पूरा फॉर्म भरना है, सबमिट करना है, रिव्यू होगा एंड वेरीफाई होने के बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। आपको ईमेल आईडी पासवर्ड के बाद लॉगिन करके अप्लाई करना है। तो इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों। तो यह थी पूरी डिटेल जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों और अपनी स्किल ट्रेनिंग को कर सकते हैं। ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एलिजिबल है तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। सारी जरूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।